था सब लोग आई हो, सब बढ़िया होंगे। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली, तो मैंने सोचा आज वीडियो डालते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोग के लिए। मैं से सोचा क्या डालूँ वीडियो में, तो मैंने सोचा चलो घर की वीडियो बना लेते। नानी के घर रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी अभी गर्मी की छुट्टी लगी है तो यहाँ पर रहता हूँ। मम्मी बोलती है यहीं पर रहो, भैया लोग हैं उनके साथ रहो, तो हमारे भैया लोग भी हैं, मस्ती वस्ती करते हैं हम लोग बहुत। तो फिर हम ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ पे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है पहाड़ पे। ये आम का पेड़ है सब, ये भी आम का पेड़ है। ये देखो गाइस, भाई लोग ये देखो, ये आम है, देखो तीन तीन आम है, उधर भी आम है, ये भी आम है। एक ये यहाँ एक गमले में पौधा लगाया है जो फैल चुका है लगभग। ये मेरी नानी है, चिड़ियों का गले गले कट कर देना प्लीज। गिलहरियों का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी चिड़ियाँ गिलहरियाँ आती हैं तो नानी को अच्छा लगता है, तो नानी लोग के लिए ये खाना रखती है। आप देख सकते हैं खाना है, पानी आना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ आती है। ये देखिए ये रही गिलहरी, ये दीवार पेड़ पे चिपकी हुई है, एक दो ये रही। यहाँ पे बहुत सारे वैसे सबके पेड़ पे आते गिलहरी, आम खा जाती, कभी चमगादड़ भी आम खा जाते, बहुत सारे आम लगे। ये हम लोग लंबे लंबे जो दूर दूर है जहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते हैं उससे, इसलिए हमने लगी नहीं है, बहुत से बड़ी बड़ी है ये, हम लोग इनको लगी बोलते हैं। आप लोग भी बोलते होंगे, कुछ लोग इसको डंडी बोलते होंगे, कुछ लोग लगी बोलते होंगे, हम लगी बोलते हैं। ये वैसे हमारा बालकनी है, हवा चलती तो पूरा बिखर जाता है पूरा। ये देखो हवा चल रही है मस्त, धूप निकलती है बहुत गंदी, बहुत गंदी, बहुत। वैसे आपको पता है इस बार ये साल गर्मी का साल है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा 51 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ी है। आप लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए 51 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं तो जनरेटर में कूलर लगा रहे हैं, कहीं कहीं फ़ैन जल जा रहे हैं, जो बिजली जिससे पावर जनरेट होती बिजली, वो फ़ैन जल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग गर्मी से बचे रहिए, लगभग से लगभग अपने घर में रहिए, क्योंकि मैं भी अपने घर में रहता हूँ, मैं भी ब्लॉगिंग बनाता नहीं हूँ, वो भी बहुत गर्मी है। ठंडी आएगी तो ठंडी में वैसे रक्षाबंधन के बाद बहुत सारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे रक्षाबंधन से, और ये हमारे यहाँ के तो बहुत सारे त्यौहार शुरू हो जाएंगे। जैसे हम लोग यूपी यूपी के हैं ना, यूपी के हमारे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, एक हमारी पूजा होती है छठ पूजा, और भी सारी पूजा होती है, तो मैं उस सबकी व्लॉगिंग दिखाऊंगा आपको, बहुत मज़ा आता है आप लोग को। दिवाली होगी, रक्षाबंधन की भी दिखाऊंगा, उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आई नहीं है। जब आएगी तो हम लोग रक्षाबंधन पे घूमने जाएंगे, क्या पता भोजपुर आए, सलेमपुर जाए, जहाँ भी जाए मैं आपको व्लॉगिंग अपडेट देते रहूँगा डे टू डे। पर अभी 3 दिन तो मैं आपको बस वीडियो बना के दिखा दूँगा, इसके बाद फिर मैं स्कूल चले जाऊँगा, स्कूल से सीधा घर, संडे संडे का आऊँगा तो संडे संडे को दिखाऊँगा आपको व्लॉगिंग करके। वैसे यही हमारा आम का पेड़ है, मैं आप लोग को जैसे मैंने बोला मैं आपको घर दिखाने वाला हूँ, तो ये देख लीजिए आप, ये हमारी बालकनी है जिसपे सोफे लगे हुए हैं, हमने यहाँ पे बैठ के मस्त चाय आए पीते सुबह सुबह, सुबह शाम को यहीं पे बैठते, कि यहाँ पर अच्छी हवा चलती सुबह शाम, बहुत मज़ा आता है। और जब धूप रहती है जैसे अभी के टाइम, अभी अभी के टाइम हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर सब लोग हैं इधर आ जाते हैं। ये टीवी हॉल है, डाइनिंग टेबल है, ये एक और रूम है, ये दूसरा रूम है, ये किचन है, फ्रिज है, चिमनी है, ये मेन डोर है, ये ऊपर टेरेस पे सीढ़ी जाती है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये बालकनी है, इसके नीचे एक और बालकनी है, ये पेड़ पौधे हैं,
ये देखिए यहाँ से दिखेगा आपको, ये हमारा आम का पेड़ है, दूसरों का आम का पेड़ है, ये देखो यहाँ से आपको दिखेगा अच्छा पहाड़ का लुक। तो भाई ये देखिए, अगर आपको भी घर अगर ऐसी जगह पे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा घर तो है ऐसी जगह, आपका घर भी है ऐसी जगह तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रखा है यहाँ पर, ये देखिए हम बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, गमले में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। देखिए इतना बड़ा हमारा आम का पेड़, ये देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी आम है। देखिए यही है पूरा, यहाँ पर अगर घर नहीं रहते ना तो अच्छा लगता, क्योंकि पेड़ पेड़ रहते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए पीछे भी पहाड़ी है, उस साइड भी पहाड़ी है, उस साइड भी पहाड़ी है, ये देखिए कितनी सारी पहाड़ी, ये कोने वाली बालकनी है, यहाँ पे एक बाथरूम है और ये रूम है, अब हम लोग शाम को मेरी नानी यहीं पर टहलते छत पे, हम लोग यहाँ कभी कभी मन करता है तो छत पे आ जाते हैं, यहाँ पर अच्छा लगता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो गाइस मैंने बहुत दिन से वीडियो डाली तो आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन से आप लोग को एंटरटेन नहीं करा, तो मैं अब बहुत सारी वीडियो डालूँगा, तो आप लोग का अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जो अगर पूरा हो गया तो उसके बाद मैं पीपल्स मॉल की वीडियो बनाऊंगा, और मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग बना रहे हैं, आप लोग को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, यही है। यहाँ बहुत सारी धूप, बहुत धूप है, ये देखिए धूप आने लगी, धूप आने लगी इधर, यहाँ पर अच्छा लगता है, शाम होगी शाम को और अच्छा लगेगा। और मैंने आप अगर कोई नया है तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी दो वीडियो डाली है, वो एक नवरात्रि की ठंडी टाइम की, तो आप वो भी दे सकते हैं, आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, आप वो भी देख सकते हो, शॉर्ट्स भी बहुत सारे वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में मेरे को 17K व्यूज चाहिए, अच्छी लगी तो ही करना, नहीं लगी तो मत करना, आप लोग के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। घर दिखा दो अपना, ये एक और बालकनी हमारी, ये देखिए गाइस डॉगी, एक और आ गया, हाँ आ जा भाई तू भी लड़ने आया मेरे को लग रहा है। हाँ तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए।